नमस्कार दोस्त, टुडेज टॉपिक इज फ्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रोड फ्रेट एंड द फैक्टर्स दैट हेल्प टू डिटरमाइन फ्रेट। कौन सा फैक्टर है जो हम लोग को जानना चाहिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रोड फ्रेट। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहता है, जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड फ्रेट। सो बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट फ्रेट होता क्या है। आप कोई ट्रक ओनर बोलिए या ट्रांसपोर्टर बोलिए, राइट? तो वो लोग क्या करता है, वो लोग गुड्स को या कंसाइनमेंट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। ये एक सर्विस है एंड फॉर दिस सर्विस दे चार्ज फ्रेट फ्रॉम द कंपनी। सो फ्रेट जो होता है वो रुपीस पर मेट्रिक टन या रुपीस पर केजी में डिनोट किया जाता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट डिटरमाइन फ्रेट? फिक्स्ड कंपोनेंट रहता है, वेरिएबल कंपोनेंट रहता है और ट्रांसपोर्टर मार्जिन या ट्रांसपोर्टर प्रॉफिट रहता है। सबसे पहले वील डिस्कस अबाउट द फिक्स्ड कंपोनेंट। फिक्स्ड कंपोनेंट्स होता क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ड्राइवर सैलरी, हेल्पर सैलरी, ट्रिप अलाउंस। ट्रिप अलाउंस नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गिवन टू द ड्राइवर बाई द ट्रक ओनर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फॉर फूडिंग पर्पसेस। सो इट इज नॉर्मली गिवन ऑन एवरी ट्रिप। नाउ कम्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे रोड टैक्स, रोड परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट इज मैंडेटरी फॉर अ ट्रक टू प्लाई ऑन द रोड। इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट। सो इसके एक स्टैंडर्ड फीस रहता है, राइट? नाउ जो अमाउंट है वो एक ट्रक ओनर बैंक को देता है जब वो लोन से खरीदता है कोई ट्रक को, तो ये मंथली ईएमआई देना पड़ता है बेस्ड ऑन कितना लोन लिया है, कितना रीपेमेंट पीरियड क्या होगा उस हिसाब से। कम्स ट्रक डिप्रिसिएशन। अब ट्रक एक एसेट है, ये तो डिप्रिशिएट होगा, इसका वैल्यू डिक्रीज होगा। सो दैट फैक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी कैलकुलेटेड वाइल वी कंप्यूट द फ्रेट। सो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स, ओके, दीज आर द पैरामीटर्स और एक्सपेंसेस जो एक ट्रक ओनर को खर्च करना ही पड़ता है, अगर ट्रक चले या ना चले ये फिक्स रहता है, राइट? हाँ, हो सकता है कि हेल्पर को सैलरी नहीं मिलेगा अगर ट्रक एकदम बैठा है, लेकिन अगर ट्रक ट्रिप करता है, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना प्रॉफिट करेगा, लेकिन अगर कोई ट्रक नॉर्मली चलता है, ऑपरेट करता है, तो ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक ट्रक ओनर को खर्च करना ही पड़ता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द वेरिएबल कॉम्पोनेंट्स। वेरिएबल कॉम्पोनेंट्स है क्या? इट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन इट्सेल्फ और द वर्ड इट्सेल्फ वेरिएबल। जितना गाड़ी चलता है उस हिसाब से ये फैक्टर चेंज होता है। सबसे पहला फैक्टर है क्वांटिटी। अब जितना क्वांटिटी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही फ्रेट देना पड़ेगा, ठीक है? डिस्टेंस, गाड़ी जितना दौड़ेगा, गाड़ी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा फ्यूल लगेगा। अब जितना गाड़ी ट्रेवल करेगा उतना ज़्यादा फ्यूल लगेगा, तो वो फ्रेट भी वैसे ही चेंज होगा, वैसे ही इंक्रीज होगा फ्यूल, जो हमने अगले पॉइंट में डिस्कस कर लिया है। अब मेंटेनेंस। अब ट्रक तो इस लाइक अ मशीन, वो 24/7 तो चल नहीं पाएगा। मंथली मेंटेनेंस या मेंटेनेंस इन 15 डेज उसको तो लगेगा ही, उसको गैरेज जाना पड़ेगा, मोबिल चेंज करवाना पड़ेगा। सो मेंटेनेंस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ट्रक टायर कॉस्ट। अब जो ट्रक्स का टायर होता है इसका एक फिक्स लाइफ साइकिल होता है, राइट? अब जितना गाड़ी ज़्यादा चलेगा उतना ट्रक्स का वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से ट्रक टायर का कॉस्ट एंड ट्रक टायर का डिप्रिसिएशन भी जानना ज़रूरी है। नाउ विल डिस्कस ऑन दी थर्ड कॉम्पोनेंट, दैट इज ट्रांसपोर्टर मार्जिन। ये ट्रांसपोर्टर मार्जिन होता क्या है? दोस्तों, ये ट्रांसपोर्टर मार्जिन इज नथिंग बट द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द ट्रांसपोर्टर। एक ट्रक के पीछे ट्रक ओनर
जितना एक्सपेंस कर रहा है उसके ऊपर वो तो एक प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता होगा, वही ट्रांसपोर्टर मार्जिन है। नाउ विल डिस्कस ऑन द अदर कंपोनेंट्स। दोस्तों जैसे कि फिक्स्ड कंपोनेंट, वेरिएबल कंपोनेंट और ट्रांसपोर्टर मार्जिन छोड़ के भी कुछ और फैक्टर्स रहते हैं जिसको हम लोग को कंसिडर करना चाहिए वाइल वी आर कैलकुलेटिंग फ्रेट। फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ ट्रक, वो ट्रक है कौन सा कैटेगरी का है, वेदर इट्स एन LCV, MCV और ACV, वेदर द ट्रक इज डेडिकेटेड टू अ कंपनी और इट्स अ फ्लाई मार्केट और फ्लाइंग ट्रक। द कंडीशन ऑफ रोड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द रोड कंडीशन इज नॉट गुड देन द वेयर एंड टीयर ऑफ द ट्रक बॉडी एज वेल एज द वेयर एंड टीयर ऑफ द ट्रक टायर्स विल बी मोर। सो उस कंडीशन में हम लोग को फ्रेट भी उस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। नो एंट्री रेस्ट्रिक्शन, अब नो एंट्री रेस्ट्रिक्शन होगा तो ट्रक्स का टर्न अराउंड टाइम बैक टू दी सोर्स विल बी मोर। सो इन दैट केस फ्रेट भी वैसा डिज़ाइन करना चाहिए। सोर्स एंड डेस्टिनेशन ज्योग्राफी, अब जहाँ से लोड ले रहा है ट्रक और जहाँ डेस्टिनेशन में डिलीवरी कर रहा है वहाँ कोई ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ लोडिंग है कि नहीं। अगर आपके प्लांट के पास कोई दूसरा प्लांट है जहाँ से ट्रक लोड ले सकता है तो आपको उस प्लांट्स में क्या फ्रेट मिलता है ट्रक को ये जानना चाहिए, राइट। डेस्टिनेशन में अगर कोई डेस्टिनेशन से एक ट्रक को फ्रेट मिलता है वापस आपके प्लांट में, आपके प्लांट के एरिया में, तो उस तरह से आपको फ्रेट डिज़ाइन करना चाहिए क्योंकि वो तो खाली नहीं आएगा, वो कोई लोड लेके आएगा। तो यू कैन कैलकुलेट द फ्रेट बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स ऑल्सो। अब टर्पोलिन, अगर कोई ट्रक कोई पेरिशेबल मटेरियल कैरी कर रहा है सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दी ओपन डाला ट्रक टू यूज़ टर्पोलिन। अब टर्पोलिन का तो एक फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, राइट। तो ये भी कंसिडर करना चाहिए व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग फ्रेट। अब नाउ कम्स GPS एंड RFID चार्जेस। नाउ व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री इज मूविंग टूवर्ड्स ऑटोमेशन। सो GPS ट्रैकिंग, RFID ट्रैकिंग के लिए कुछ कॉस्ट रहता है जो हम लोग को कंसिडर करना चाहिए। नाउ कम टोल टैक्स। इफ अ ट्रक इज मूविंग ऑन अ रूट जिसमें नेशनल हाईवे टोल टैक्स या स्टेट हाईवे टोल टैक्स है, तो हम लोग जब फ्रेट कैलकुलेट कर रहे हैं सो कितना टोल टैक्स लगता है उस रूट पे, तो हम लोग को वो कंपोनेंट भी ऐड करना चाहिए जब हम लोग फ्रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो आई बिलीव दैट मैंने कुछ आइडिया शेयर किया है कि जो जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है फ्रेट कैलकुलेशन के लिए। तो हम लोग अपना अगला वीडियो में रोड फ्रेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।